खरगोन जिले के झिरनिया में गत दिनों चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ किया, जिसमें स्थानीय पुलिस की नाकामयाबी के बाद पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और उचित कार्यवाही की मांग की। हम आपको बता दें कि परिवार 9 फरवरी को दामखेड़ा शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था और इसी रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। इस दौरान ईश्वर सिंह वासकले ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि घटना में लिप्त लोगों को जल्द पकड़कर उचित कार्यवाही की जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। चोरी 9 तारीख रात्रि को हुई है। मैं मेरे गृह ग्राम दामखेड़ा में शादी में गया था और 10 तारीख सुबह जब फोन आया वहाँ से कि घर में दरवाज़ा खुला है और मैं तुरंत आके देखा तो चोरों ने अपना हाथ सफाया कर दिया। करीबन 4.5 लाख के सोने चांदी के जेवर थे और 25,000 रुपये नगद थे। क्या शिकायत लेकर आए? शिकायत हमने दर्ज करी 10 तारीख को थाने पे, परंतु आज दिनांक तक विशेष रूप से इन लोगों द्वारा कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम ज्ञापन देने यहाँ एसपी कार्यालय आए। क्या मांग की आपने? मांग की है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर जो भी सामग्री हमारी गई है वो वापस दिलवाने की। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह वासकले। ये हमारे ईश्वर सिंह पिता जालम सिंह वासकले झिन्या, इनके यहाँ विगत एक महीना 9 तारीख को चोरी हुई और 4-5 लाख के लगभग चोरी की हुई है और अभी इतना समय व्यतीत हो गया, उसके बाद भी आज तक मतलब उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं, आज तक किसी कहीं उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए और TI साहब जो है वहाँ के इस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे। हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और यदि निकट भविष्य में अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो जयस जो है जयस झिरनिया इकाई पूरी तरह से मतलब फिर बाध्य हो गया आंदोलन के लिए। क्या नाम? मेरा नाम शिवभानु सिंह मंडल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।